हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्कूल ऑफ वर्ड पावर। माय नेम इज अमित सेंगर एंड यू आर वाचिंग द फास्टेस्ट वोकैबुलरी लर्निंग प्रोग्राम। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ अ कॉम्प्लेक्स वर्ड कैन बी डिजाइन यूजिंग टू सिंपल वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट ट्रिकी वोकैब लेक्चर। फर्स्ट टू वर्ड मेल प्लस आइस, डेट इज गिवेन। MAL जो वर्ड होता है वो एक रूट वर्ड होता है और ये वर्ड अगर किसी भी वर्ड में कनेक्ट होगा दैट वर्ड ऑलवेज कंटेन निगेटिव सेंस। तो यहाँ पर इसकी बात हो गई। जो भी कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, सब डिस्कस नहीं करेंगे। सेल जैसे वर्ड की बात करें तो सेल का मतलब होता है जल यात्रा। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर कूप जैसा वर्ड दे रखा है। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट। षड्यंत्र भी इसका एक मतलब होता है। इससे आगे कॉन्ट्रा जैसा रूट वर्ड दे रखा है। कॉन्ट्रा एक रूट वर्ड है और इसका मतलब अंगेज से लिया जाता है। ये वर्ड जिस वर्ड में कनेक्ट होगा वहाँ पर इसका सेंस अंगेज के सेंस में जरूर निकलेगा। इससे आगे चलते हैं, पोर दे रखा है। पोर का मतलब उड़ेलना होता है। वाटर वगैरह या किसी लिक्विड के फॉर्म को के साथ में पोर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मेल प्लस आइस वर्ड कनेक्ट होगा वर्ड बनेगा मैलिस। मैलिस का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है द्वेष। चलिए अब इसके सिनोनिम की बात करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा स्पाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सिंपल वर्ड हैं, जैसे दोनों सिंपल वर्ड का अपने आप में मतलब है और कनेक्ट करने के बाद जो वर्ड डिज़ाइन होके आ रहा है उसका भी अपने आप में मतलब है। सेम यही फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड हर एक वर्ड के साथ है। जो स्टार्टिंग में दे रखा है उसका भी मतलब है और जो सेकंड वर्ड दे रखा है उसका भी मतलब है और कनेक्ट होने के बाद जो वर्ड आएगा उसका भी मतलब होगा। इससे भी आगे चलते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। वर्ड जो बनेगा अगर हम एज और सेल को कनेक्ट करें तो वर्ड बनेगा SL। SL का मतलब होता है आक्रमण करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SL मीन्स आक्रमण करना। अगर इसके सिनोनिम की बात करें SYN की तो ये वर्ड अटैक के बराबर होगा। ये वर्ड किसके बराबर होगा? अटैक के। नेक्स्ट पर स्विच करते हैं। मैन प्लस एस दे रखा है, ये वर्ड बनेगा मैनेस। मैनेस का मतलब होता है खतरा। मैनेस मीन्स खतरा। एक इसका मतलब धमकी के सेंस में भी होता है। और अगर SYN यानी सिनोनिम की बात करें मैनेज जैसे वर्ड के लिए तो डेंजर इसका सिनोनिम बन सकता है। डेंजर इसका सिनोनिम बन सकता है। इससे भी आगे चलते हैं। नोटेबल दे रखा है तो यहाँ पर नोट प्लस एबल को कनेक्ट कर दो तो वर्ड क्या आएगा? नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ध्यान देने योग्य। SYN की अगर बात करें नोटेबल जैसे वर्ड के लिए तो SYN जो आएगा वो आएगा नोटवर्दी। नोटवर्दी। चलिए विद और ड्रॉ, फिर अपने पास दो इजी वर्ड है, इन्हें भी कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वर्ड जो निकल के आएगा वो आएगा विदड्रॉ। और विदड्रॉ का मतलब वापस लेना। विदड्रॉ मीन्स वापस लेना। बहुत इजी फॉर्मेशन है ये। अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, डिफिकल्ट लग रहे होंगे, और जबकि अगर इधर बात करें तो बहुत आसान से वर्ड है। यहाँ पर चलते हैं। विड्रॉ वापस लेना होता है। सिनोनिम की बात करें तो रिमूव जैसा वर्ड इसका सिनोनिम बन सकता है। यहाँ पर आ जाते हैं। कपलेट जैसा वर्ड दे रखा है, कनेक्ट कर दिया कूप और लेट को। इसका मतलब होता है दोहा। SYN की बात कर लेते हैं तो इसका जो SYN बनेगा वो बनेगा वर्ड। कॉन्ट्रा एंड बैंड, तो क्या बनेगा? कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का हिंदी में मतलब होता है वर्जित व्यापार। वर्जित व्यापार। SYN जो होगा इसका वो होगा स्मगल्ड। यानी ये स्मगल्ड जैसे वर्ड का सिनोनिम बनेगा कॉन्ट्राबैंड वर्ड। मैंने आपको बताया भी था कॉन्ट्रा कहीं भी ऐड होगा तो उसका मतलब किससे होगा? आगे इससे। देखिए वर्जित जैसा सेंस भी आ रहा है, ये रूट वर्ड है, हर जगह इसका मतलब ऐसे ही होगा आगे इससे।
नेक्स्ट वर्ड पर स्विच करें, यहाँ पर वर्ड दे रखा है इन टेस्ट एट, यहाँ पर तीन वर्ड दे रखे, तीनों का इंडिविजुअल अपने आप में मतलब है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे देखिए क्या वर्ड बनता है, इंटेस्टेड। इंटेस्टेड का मतलब हिंदी में जो होता है वो होता है बिना वसीयत, बिना वसीयत। चलिए अब इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं, तो होगा अनडिवाइज्ड। अनडिवाइज्ड जैसा वर्ड इसके सिमिलर हो सकता है। नेक्स्ट स्विच करते हैं वे विल पर, वे अलग वर्ड है, बिल अलग वर्ड है, कनेक्ट कर देते हैं वे विल को। अपने पास जो वर्ड आएगा वो आएगा वे विल। वे विल का मतलब होता है सामान सूची, सामान सूची। वर्ड इंग्लिश का होता है इनवाइस, और वो इसका क्या बनेगा, सिनोनिम बनेगा। इनवाइस जैसा वर्ड इसका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। ऐसे भी आगे चलते हैं, लास्ट वर्ड डाउन प्लस पोर, तो वर्ड जो आएगा वो आएगा डाउन पोर। डाउन पोर का मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा। इसके लिए जो सिनोनिम यूज होगा वो वर्ड यूज होगा क्लाउड बस्ट, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने दो सिंपल वर्ड यूज़ किए और उनको कनेक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स वर्ड को डिज़ाइन किया है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, आसान सा कंसेप्ट है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।